लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद अब मुख्यमंत्री कमलनाथ कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए सबसे पहले झाबुआ विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी कल से शुरू कर दी, जहां से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ सरकार बनने के बाद पहला उपचुनाव है। चुनाव में कांग्रेस हर हाल में जीतना चाहती है, इसी कारण भूरिया और जेवियर मेड़ा के बीच तालमेल बनाना जरूरी है। दोनों को कल झाबुआ यात्रा के दौरान कमलनाथ महत्व दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सामूहिक विवाह समारोह में भूरिया का भाषण कराया, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि उनका चुनाव लड़ना तय है। जेवियर मेड़ा को सरकार कोई ना कोई पद से जल्द नवाज देगी, ताकि दोनों गुट मिलकर काम करें। मेड़ा के कारण ही विधानसभा चुनाव में कांतिलाल के बेटे विक्रांत चुनाव हार गए थे। अब कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। कल लगभग 4 घंटे वहाँ रहने के दौरान कमलनाथ ने इस बात का साफ इशारा किया कि कांतिलाल ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी सरकार आदिवासियों के लिए हर काम सबसे पहले करेगी। झाबुआ पहुंचते ही सबसे पहले स्कूल चलो अभियान की शुरुआत में पहले ही दिन साइकिल बांटने का काम किया, जो पहले स्कूल खुलने के 6 महीने तक चलता रहता था। उसके बाद सामूहिक विवाह समारोह में लगभग 75 करोड़ के काम के उद्घाटन और भजन कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से साफ जाहिर था कि झाबुआ विधानसभा को लेकर कमलनाथ कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। झाबुआ के कांग्रेसियों को समझाने के लिए सभी से कमलनाथ ने 2 से 5 मिनट तक अलग से बात की और इशारों में समझा दिया कि हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतना है। जब व्यापारियों से मिलने पहुंचे और एक व्यापारी ने GST की परेशानियां बताना शुरू की, तो कहने लगे, अरे भाई, लोकसभा में तो वोट दिया नहीं, अब हम GST में कैसे मदद करें। यह सुनकर सब व्यापारी हंस दिए। खैर, कमलनाथ ने फिर भी कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर जो होगा वो हम करेंगे। अलग अलग व्यापारियों को मिलवाने का उद्देश्य ये था कि चुनाव में सब मदद करें। अफसरों को भी इसलिए इशारा किया कि अब सरकार कांग्रेस की है, इसलिए उपचुनाव भी कांग्रेस के हों, जिताना ही चाहिए। कांतिलाल भूरिया के साथ 2 मंत्री थे, प्रभारी मंत्री हनी बघेल, जो बार बार लोगों को मुख्यमंत्री से मिला रहे थे, झाबुआ से जुड़े काम की बात कर रहे थे। वैसे कांतिलाल भूरिया भी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर लाए और कमलनाथ को दे दी। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को कह दिया कि ये सब काम करना है। उसके बाद जब सारे लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए, तो उन्होंने प्रभारी मंत्री बघेल से कहा कि आप बाकी लोगों से मिलना। जीतू पटवारी जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कल उन्होंने कमलनाथ के गुणगान का काम ले रखा था। लोगों से बोले कि देखो, कमलनाथ ने अपना इलाज भोपाल के सरकारी अस्पताल में कराया। तीसरे ही दिन आप लोगों के बीच में आ गए, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री आपने कभी नहीं देखा होगा। असली मामा है जो आपके दुख दर्द में साथ है। पटवारी काफ़ी सक्रिय थे, या यूं कहें कि सक्रियता उनकी पहचान है। वैसे कल का आयोजन कांग्रेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था बजाय सरकार के। कमलनाथ के उपचुनाव की तैयारी भाजपा से पहले ही कर ली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।